आज के इस वीडियो में बात करें कि हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग करके या डेस्कटॉप सपोर्ट में अगर आप जॉब कर रहे हो, टेक्निकल सपोर्ट में अगर आप जॉब कर रहे हो, तो क्या आप क्लाउड पे जा सकते हो, क्या आप लिनक्स पे जा सकते हो, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त मैं बता दूँ स्टार्टिंग में ही कि कोई सी भी प्रोफाइल हो, आप कहीं भी मूव हो सकते हो। अब बात क्या आती है कि अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट पर काम कर रहे हो, टेक्निकल सपोर्ट पर काम कर रहे हो, तो टेक्निकली आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कुछ ज़्यादा होती है, कुछ ज़्यादा बेटर होती है। टेक्नोलॉजी में आप जब पहले से काम कर रहे होते हो ना, एक साल, दो साल, तीन साल, और जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो थोड़ा सा आपसे इजी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी दो तीन साल का एक्सपीरियंस होता है। व्हाटएवर वो आपको तीन साल हो, चार साल हो, दो साल हो, एक साल हो, तो उसका एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी होता है। तो जो टेक्निकली अंडरस्टैंडिंग होती है ना एक ग्राउंड लेवल पे, वो आपको काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एसोसिएट का कर लिया, AWS का, आर्किटेक्ट का, या माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर क्लाउड कर लिया, या गूगल क्लाउड कर लिया, तो ये चीज़ें ना थोड़ी समझने में इजीली हो जाती हैं। अगर आप वही मैं बात करूँ, अगर कॉल सेंटर का बंदा है, उसको बोलो नहीं भाई तू माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पढ़ ले या AWS का क्लाउड पढ़ ले, तो उसको जल्दी इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो आप किसी भी प्रोफाइल पे हो, चाहे डेस्कटॉप सपोर्ट हो, टेक्निकल सपोर्ट हो या रिमोट सपोर्ट हो, मैं IT की प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, किसी भी प्रोफाइल का मतलब, तो आप क्लाउड में भी जा सकते हो, AWS में भी जा सकते हो, Azure पे या Linux पे, नेटवर्किंग पे, सिक्योरिटी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हो। बट आपको तैयारी होनी चाहिए और थोड़ा आपके लिए इजी हो जाता है। एक फ्रेशर बंदा हो और आपने टेक्निकल सपोर्ट में ऑलरेडी जॉब करी हुई हो ना, तो क्या होता है कि वहाँ तक जाने में, जैसे कि अब एक नया बंदा है, मान लो किसी ने अभी रिसेंटली BTech पास आउट किया या किसी और चीज़ से, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वो पास आउट हुआ, वो इंटरव्यू देने गया और आप इंटरव्यू देने गए, जबकि आप क्लाउड के लिए आप भी फ्रेशर होगे, आपने अगर पहले काम नहीं किया है तो, और वो भी एक फ्रेशर बंदा होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे आपकी ज़्यादा होंगी, क्योंकि आपके पास लास्ट का टेक्निकल कुछ एक्सपीरियंस है, दो तीन साल आपका एक्सपीरियंस है, तो आपकी प्रेफरेंस वहाँ पे ज़्यादा होगी। अब वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद में 80% क्वेश्चन आपने बता पाए, 80% क्वेश्चन उसने बता दिए, तो प्रेफरेंस वहाँ पे आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक प्रोफेशनली इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस है और आपका IT का, टेक्निकल सपोर्ट का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस वजह से दोस्त, अगर आप किसी भी प्रोफाइल में हो, किसी भी प्रोफाइल में मूव कर रहे हो, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, यही आपको गाइड करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके टेक्निकल सपोर्ट से या डेस्कटॉप सपोर्ट से आप डोमेन में आओ, वो किसी भी डोमेन में आओ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, चाहे नेटवर्किंग हो, लिनक्स हो, क्लाउड हो, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवऑप्स वगैरह, कोई भी आपका डोमेन हो, आप उसमें आओ, उसमें स्कोप है बहुत ज़्यादा और सैलरी अगर आपको अच्छी खासी चाहिए तो। तो बस यार दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ।